हेलो एवरीवन। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो आपका 5 जनवरी को सेकंड शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, उसमें मुझे जीके के कुछ क्वेश्चन मिल गए हैं और साथ साथ रीजनिंग में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहा है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, एडीबी का आपका पूछा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर तो कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में है, है ना। मनीला आपके ऑप्शन में दिया था जो कि एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था पीडीएफ का फुल फॉर्म, तो पीडीएफ का आपका फुल फॉर्म जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था सबसे आसान क्वेश्चन, मेघालय की राजधानी, मेघालय राजधानी आपसे पूछा, तो मेघालय की जो राजधानी है वो क्या है, शिलोंग है ना। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आपका ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, ये भी काफ़ी आसान है। ओजोन का मतलब ही O3 होता है, तो ओजोन में ऑक्सीजन अणु कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था इंडिया की फर्स्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी, ये था, या कब चली थी, है ना। तो पूरा बता दे रहा हूँ, यही था फर्स्ट इंडियन ट्रेन, ठीक है। तो मुंबई टू थाने चली थी, ठीक है। कब चली थी, 1853 में चली थी, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था माजुली द्वीप कहां, माजुली द्वीप जो है वो किस नदी पर है, है ना। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप ये आपका है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, किस पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और किस राज्य में है, असम में है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि टोटल मेंबर ऑफ आईएमएफ, थोड़ा सा डाउटफुल है तो स्टार बना के दूंगा ये क्वेश्चन, है ना। टोटल मेंबर ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ में मॉनेटरी फंड में कितने मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर IMF, थोड़ा सा डाउटफुल है इसी वजह से स्टार्ट बना के मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 186 है ना, टोटल मेंबर इन IMF अगर आया था तो इसका आंसर हो जाएगा 186, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की बात करूँ, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कोल्डेस्ट डेजर्ट, है ना, सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, यही था कोल्डेस्ट डेजर्ट, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका, क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि, हाँ ये अगर जो आया था तो बहुत आसान है, उर्ली बता दे रहा हूँ, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेघस्थनीज हो जाएगा, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा डाउटफुल है, इंडिका मेघस्थनीज, ऐसे ही जान लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, तो अगला क्वेश्चन था गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था, गरीबी हटाओ नारा ये किसने दिया था, ये इंदिरा गांधी ने दिया था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। चलिए लास्ट में गाइस देखिए, एक अगर जो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, बट कुछ टाइम लगता है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है, क्योंकि खुद ही से सब कुछ करना रहता है, वीडियो बनाना, क्वेश्चन कलेक्ट करना, सारा काम मैं खुद ही से करता हूँ, कोई मुझे सपोर्ट यहाँ पे करने वाला नहीं है, तो टाइम चीजें लगती हैं। तो जैसे मैं ये आपको एकदम गारंटी नहीं दूंगा कि मैं, बट हाँ प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो इससे अच्छा रहेगा, साथ साथ मैं वीडियो की लिंक भी शेयर करता हूँ, या फिर और भी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और नहीं तो अभी मैं वीडियो को अच्छे से पूरा क्वेश्चन को बोर्ड पे राइट कर दूंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था एलिफेंट केव कहां पर है, है ना, एलिफेंट केव किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में, कहां पर है, महाराष्ट्र, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष पूछा था, है ना, संविधान सभा के उपाध्यक्ष आपसे पूछा था, तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, एच सी मुखर्जी, है ना, एच सी मुखर्जी जी थे,
ठीक है, संविदा एक और थे बट वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा था तो मैं उसको लिखा नहीं, शायद यही ऑप्शन में दिया हुआ था क्योंकि उस स्टूडेंट ने इसी नाम को बोला तो मैं यही बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, है ना, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध बचपन का नाम, बचपन नाम जो था वो क्या था, सिद्धार्थ था, क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अगला क्वेश्चन था सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था, या सीमांत गांधी की उपाधि या सीमांत गांधी से रिलेटेड आया था। तो सीमांत गांधी का रिलेशन केवल एक लोग से है, खान अब्दुल गफ्फार, है ना, ऐसे कुछ करके खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे करके था। तो सीमांत गांधी इन्हीं को उपाधि दी गई थी, इन्हीं के नाम से जाना जाता था, खान, पूरा अच्छे से लिख दे रहा हूं, खान अब्दुल गफ्फार, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार में लिख दिया केवल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि रेलवे के चेयरमैन या फिर ऐसे रेल के, मतलब ऐसा शायद क्वेश्चन था कि रेलवे के चेयरमैन के लिए अगला नाम किसका घोषित किया गया है। तो सुनीत शर्मा, है ना, रेलवे चेयरमैन, तो क्या हो जाएगा अगला नाम चेयरमैन, अभी जल्दी इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, सुनीत शर्मा। अगर ये ऑप्शन में था तो बताइएगा, बट अगर जो ऐसे करके पूछा था किसका नॉमिनेशन किया गया तो सुनीत शर्मा, प्रेजेंट का अगर पूछा था तो बताइएगा, मैं कमेंट करके आंसर उसका बता दूंगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ब्रिक्स की 2019 का आयोजन कहां पर हुआ था, है ना, ब्रिक्स 2019 आयोजन कहां हुआ था, आयोजन कहां या किसने मेजबानी किया था, तो किसने किया था, ब्राजील ने किया था, किसने किया था, ब्राजील ने। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि यह था कि 1962 में जो इंडिया चाइना वार जो हुआ था, है ना, 1962 में, उस समय किस मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था, है ना, तो 1962 इंडिया चाइना वार के समय इस्तीफा, ऐसा कुछ ही क्वेश्चन था, इस्तीफा किसने दिया था, इस्तीफा दिया था आपका किसने दिया था, इनका जो थोड़ा सा मैं आंसर में थोड़ा सा डाउटफुल हूँ बट मैं जल्दी जल्दी जो मुझे याद आया था वो नाम मैं लिख दिया था, वीके कृष्णन मेनन था, जो कि एक डिफेंस मिनिस्टर थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वीके कृष्णा मेनन, ठीक है, यही थे जिन्होंने रिजाइन दिया था आपका इंडिया चाइना से जब वार हो रहा था 1962 में, तो किसने इस्तीफा दिया था, वीके कृष्णा मेनन। ठीक है, ओके, अच्छा, हाँ गाइस, अगर आप फर्स्ट शिफ्ट की भी वीडियो नहीं देखे हैं, आपको रियल क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर देखिएगा। एक्चुअल में ये सेकंड वाली शिफ्ट बार बार मेरी लेट हो जाती है, रीजन मैंने बताया, मुझे कोचिंग पढ़ाना रहता है, तो कोचिंग पढ़ा के जल्द ही मैं आता हूं, बिना कुछ किए आपको चेहरे से भी लग रहा है मेरी कितनी थकान है, तो मैं क्या करता हूं, तुरंत आके पहला काम क्वेश्चन जितना मुझे कलेक्ट रहता है व्हाट्सएप पे उसको लिखता हूं जल्दी से, और उसके बाद आप लोगों के बीच लेके आता हूं, है ना, तो चीजें इतनी आसान नहीं होती, उसके बाद उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना, है ना, उसको कॉल करना, है ना, क्योंकि क्वेश्चन फालतू भी बहुत मिलते हैं। चलिए, ये हो गया रेलवे चेयरमैन। इंटरनेशनल योगा डे अगर आया था तो ये 21 जून, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था, इंटरनेशनल योगा डे क्या हो जाएगा, 21 जून आया भी था ये क्वेश्चन, 2-3 लोगों ने भेजा था। ठीक, अच्छा, एडीबी का मनीला मैंने बता दिया, जीएसटी डे भी आया था क्या, अगर जीएसटी डे आपका आया था तो ये 5 जनवरी हाँ 5 जनवरी आज ही है जीएसटी डे ये आया था, तो 5th of Jan है ना, ये हो जाएगा। ठीक, ओके, और शंघाई फेस्टिवल आपका कहाँ होता है, शंघाई फेस्टिवल के बारे में मैंने बताया नहीं बताया, शंघाई फेस्टिवल अगर आया था तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर में, कहाँ पर शंघाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। ठीक है, शंघाई ये आया था क्वेश्चन एकदम कन्फर्म है, शंघाई फेस्टिवल कहाँ का है, तो मणिपुर का है, कहाँ का है, मणिपुर का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, गरीबी हटाओ का नारा मैंने बता ही दिया,
1935 एक्ट से कोई क्वेश्चन आया था, बट वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 1935 एक्ट, जिनका अपकमिंग एग्जाम है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, और डाल, और हाँ, ये पोंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बहुत ध्यान से समझिएगा, दोनों का आंसर तमिलनाडु है। एक तो सबसे कॉमन है, पोंगल त्यौहार बहुत पॉपुलर है, सबको पता होता है पोंगल त्यौहार तमिलनाडु। बट आपसे शायद ये नहीं पूछ के ये पूछा था कि पोंगल बर्ड इज काउंटिंग इन विच स्टेट, है ना, पोंगल बर्ड किस स्टेट में काउंट किया गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, है ना, पोंगल बर्ड काउंटिंग इन विच स्टेट, तो तमिलनाडु, ठीक है, इसका भी आंसर यही होगा। तो पोंगल से रिलेटेड वाले का आंसर आपका सिंपल क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। सीमांत गांधी मैंने बता दिया। हाँ, भोजन पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होगा, तो भोजन पाचन में मेनली तीन एंजाइम सहायक होते हैं, बट शायद आपके ऑप्शन में दिया था भोजन लाइपेज, बट मैं एकदम कंफर्म नहीं हूं क्योंकि मुझे सुनाई नहीं पड़ा, वो बोलता गया क्वेश्चन, मैं जल्दी से आंसर उसका करेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि ऑप्शन ही नहीं मिल पाया। भोजन पाचन में सहायक, पाचक, भोजन पाचन में सहायक एंजाइम, तो कौन हो जाएगा, लाइपेज, कौन हो जाएगा, लाइपेज शायद दिया हुआ था, वही आपका करेक्ट है, बट मैं इसके आंसर पे एकदम कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। अच्छा, और हाँ, अगर जो 8th जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन आया था तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर में बताया था कौन है, बान की मून जी हैं, ठीक है, थे, मतलब इस समय 9th आपके चल रहे हैं, है ना, और बस उसके बाद इंडिका आपका मैंने बता ही दिया, बाकी फिर इधर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, इधर सेकंड मैंने बता दिया, तो एक काम करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ले लीजिए, फिर मैं आपको क्या कहते हैं रीजनिंग के टॉपिक भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, जस्ट अ मिनट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब तक मैं रफ कर रहा हूँ तब तक आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, और आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करने के बाद आप पहला काम वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ, अगर मैं इतना कर रहा हूँ, आपका टाइम भी मैं अभी तक फालतू बातों में बिना बर्बाद किए हुए किया था, बट इसको रफ करना जरूरी है क्योंकि आगे मैं चीज़ें लिख पाऊंगा, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जब तक मैं रफ कर रहा हूँ तब तक आप वीडियो पॉज करके क्या करिए क्वेश्चन को, अरे क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए बात करता हूँ, देखिए पहला आपका जो इससे पूछा था, मैं मेरे पास क्वेश्चन है, मैं मतलब क्वेश्चन तो है बट वो थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, तो इससे अच्छा मैं टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप केवल टॉपिक ही सुन लीजिए। देखिए पहला आपका इससे पूछा था, सीलॉग से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, किससे पूछा जा रहा है, सीलॉग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, सीलॉग, ठीक है, ओके, सीलॉग से पूछा गया है, और पूछा गया है क्योंकि मैंने खाली टॉपिक जल्दी जल्दी लिखा था, और आपका हाँ सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया था, तो इसका भी बेसिक थोड़ा सा जान लीजिएगा। और आगे की बात करूँ तो आपका आगे की बात करते हैं, तो डायरेक्शन एंड टेस्ट से आया था, डायरेक्शन एंड टेस्ट से आया था क्वेश्चन, ठीक है, क्लॉक कैलेंडर नहीं पूछा गया था, पहले मैं क्लियर कर दूँ, ओके चलिए, और आपका जस्ट अ मिनट, हाँ वो आया था क्या कहते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ अल्फाबेट और नंबर सीरीज से आया था, सीरीज मतलब सिंपल मैं लिख दे रहा हूँ, सीरीज से दो तीन क्वेश्चन आए थे, सीरीज से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, ओके, देन आपका रैंकिंग से आया था, है ना, रैंकिंग से क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट आसान सा था, टी इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, है ना, ये वाली पोजिशन वाला बेस्ड आया था, ठीक है। अच्छा आगे की बात करता हूँ, तो अगले आपसे पूछा था, जस्ट अ मिनट, क्लॉक कैलेंडर तो पूछा नहीं था, कहाँ लिखा था मैंने, हाँ डाइस से क्वेश्चन आया था, किससे, डाइस से आया था, ठीक है, ओके, देन जस्ट अ मिनट, हाँ और उससे वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आया था, मतलब दो तीन ऐसे करके दिया हुआ था कि जैसे ऐसे करके ये वाला था, ठीक है, इसका एक ए रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ऑल मेंबर प्रोफेसर ऐसे करके होते नहीं है, तो ये आपका वेन डायग्राम, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास बट मैं उसको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन एकदम रियल नहीं है मेरे पास, है ना, वो अभी मैं जबरदस्ती इधर उधर सेट करके उसका आंसर बता दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, बट जाते जाते मैं आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहूंगा कि देखिए सी लॉन्ग और सीटिंग अरेंजमेंट डायरेक्शन टेस्ट सब बहुत आसान टॉपिक होते हैं, अगर थोड़ी सी आप बेसिक नॉलेज है बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, तो आप काम करिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे आपको तीन चार लिंक्स मिलेंगे, जैसे करंट अफेयर का टॉप 20 मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा, मुश्किल से 15-20 मिनट के 2019 और 20 से जितने इंपॉर्टेंट हुए सारे मैंने बताया है, इसमें से क्वेश्चन कुछ फंस रहे हैं, और साथ साथ में आपको मिलेगा
आरआरबी एनटीपीसी का जो और भी एग्जाम हुआ सारे क्वेश्चन मैंने बताया, और आपको रीजनिंग रामबाण वीडियो मिलेगा जो कि 11 घंटे की लगातार वीडियो है। इसको आप चाहें तो टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं, कमेंट में मैंने टॉपिक वाइज टाइमिंग बता दिया है, तो आप जिस भी टॉपिक में कोई दिक्कत, जैसे सीलॉन्ग विद इन 10 सेकंड आप क्वेश्चन लगाएंगे अगर जिस मेथड से मैंने इसमें पढ़ाया आप देखेंगे, तो एक बार जरूर आप इस पे विजिट करिएगा। और साथ में आपको जीके जीएस ट्रिक मिलेगा, लगभग 50 ट्रिक है ना, किसी भी एग्जाम को देने जाइए, ये ट्रिक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, 5 से 4 क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो जाते जाते बस यही कहूंगा एक बार इन, और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इन लिंक्स पे जाइएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में आप एक बार विजिट करिएगा, वहां पे 4-5 इंपॉर्टेंट मिलेगा, उसको ज्वाइन जरूर करिएगा और इन लिंक्स पर जाकर विजिट करिएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।